खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। महिला उत्पीड़न प्रकरण में न्यायाधीश नुसरत बानो ने निर्णय जारी कर आरोपी अमित शर्मा उर्फ अनी, दीपांग शर्मा उर्फ दीपक और दीपक पाल को धारा 341/34 में दोषी मानकर 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 323 में 6 माह का कठोर कारावास और 307 में 7 वर्ष कठोर कारावास और 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। महिला उत्पीड़न की अपर लोक अभियोजक सीमा भारद्वाज ने बताया कि अलवर गेट थाना अंतर्गत बिहारीगंज निवासी योगेंद्र सिंह की हत्या के मकसद से सभी आरोपियों ने योगेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया था, जिस पर उसे गंभीर चोटें आई थी। बुधवार को न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। दिनांक 24/3/2014 की घटना है। पुलिस थाना अलवर गेट के अंतर्गत योगेंद्र सिंह नाम का एक लड़का था, वो अपने मित्र दीपक पाल में से 3,000 रुपये उधार मांगता था। दीपक पाल ने उसको फ़ोन करके कहा कि भाई तेरे को पैसे लेने हैं तो आज ही तू सात पीपली बालाजी के मंदिर के पास आ जा। तो ये सुन के उसको डाउट था योगेंद्र को, भाई ये मेरे साथ मारपीटाई कर सकते हैं क्योंकि इनके पहले बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पैसों को लेकर। तो योगेंद्र भी अपने 3-4 अन्य मित्र नीलेश, राहुल और विनीत के साथ मौके पर आया। बाकी इसके 3 दोस्त एक साइड में खड़े हो गए थे और ये पैसे लेने के लिए रोड के दूसरी साइड में खड़े हुए। दीपक पाल, दीपांक और अमित इनके पास गया और वहाँ जाते ही जैसे ही उनको पैसे की बात को लेकर दोनों में बहस हुई, पीछे से दीपांक ने उसके सर पे बेसबॉल का डंडा जोर से मारा और उसके बाईं कनपट्टी में तेज़ लगने के कारण वो वहीं मौके पे ढेर हो गया और उसके ब्लीडिंग वगैरह काफ़ी हो रही थी। फिर बाकी ये घटना होने के बाद ये सारे दोस्त वहाँ से भाग गए। कुछ समय पश्चात उधर से उसके योगेंद्र के चाचा जी निकल गए थे, मान सिंह जी। उन्होंने देखा कि उनका भतीजा यहाँ घायल पड़ा, तो उन्होंने उसकी योगेंद्र की माँ को फ़ोन किया और मौके पर बुलाया और फिर सब लोग उसको लेके जेल एंड हॉस्पिटल आए। जेल एंड हॉस्पिटल में आए थे उस दिन न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर साहब नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने ये बताया कि इसकी हालत सीरियस है और इसको जयपुर ले जाओ। तो उसके परिजन उसको जयपुर लेके चले गए और शाम को मान सिंह जो उसका चाचा था योगेंद्र का, उसने पुलिस थाना अलवर गेट पर FIR दर्ज करवाई। मजरूब जो योगेंद्र है उस 5/11 को अजमेर आया इलाज करवा के। उस समय उसकी निशानदेही पे और उसने जब बताया कि ये तीनों चारों मेरे मित्रों ने मेरे साथ ये घटना की, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट किया और उनके विरुद्ध चारों के विरुद्ध धारा 307 में चार्जशीट फाइल की गई। ट्रायल के दौरान सनी की डेथ हो गई थी नॉर्मल और बाकी तीनों मुलजिमों को आज ऑनरेबल कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में धारा 341/34 में 500 रुपये, 323/34 में 6 माह की सज़ा, 325/34 में 3 वर्ष का कारावास, 3,000 जुर्माना और 307 में 7 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना तीनों। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।